This Lellan Top video is sponsored by Winzo. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो अपना एक गेम खेल लीजिए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म Winzo ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट UPI या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के काफिले पर 2 अप्रैल को राजस्थान में हमला हो गया। ANI के मुताबिक हमला अलवर जिले के ततारपुर चौक पर हुआ। टिकैत राजस्थान में अलग अलग हिस्सों के दौरे पर गए थे जहां उनका किसानों से मिलने का कार्यक्रम था। वो हरसोरा में एक सभा को संबोधित करके यहाँ पहुंचे थे। इसी बीच अलवर में उनकी कार पर हमला कर दिया गया। कार के शीशे तोड़ दिए गए, काले झंडे दिखाए गए, नारेबाजी भी की गई। हालांकि टिकैत और उनके साथ के लोग सुरक्षित हैं। टिकैत ने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लिखा, राजस्थान के अलवर जिले के ततारपुर चौराहा मंसूर रोड पर भाजपा के गुंडों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। लोकतंत्र की हत्या की तस्वीरें। इस संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपनी डेली प्रेस रिलीज में भी इसका जिक्र किया है। लिखा कि राजस्थान के अलवर में ततारपुर चौराहे पर किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला हुआ। इसी दौरान टिकैत की कार का शीशा भी टूट गया। हम इस घटना की निंदा करते हैं। टिकैत के काफिले पर हमले के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन भी शुरू हो गया। कुंडली मानेसर पनवेल पेरिफेरल हाईवे को शाम 6:30 बजे से जाम कर दिया गया। तमाम प्रदर्शनकारी यहाँ इकट्ठा हो गए। काफी देर बाद हाईवे को यातायात के लिए खोला जा सका। इसके बाद देर शाम राकेश टिकैत ने बयान जारी किया। कहा, आज अलवर में जो हमला हुआ है ये भाजपा का षड्यंत्र था। हमलावर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और स्थानीय सांसद बालकनाथ और सतीश पुनिया प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के करीबी हैं। घटना के विरोध में कोई एक्शन नहीं लेना है। भाजपा को भी हम कहना चाहते हैं कि अगर संयुक्त मोर्चा के नेताओं के साथ सड़कों पर इस तरह की घटनाएं की गई तो भाजपा के सांसद विधायक भी सड़क पर नहीं चल पाएंगे। बताते चले कि कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेताओं में राकेश टिकैत शामिल हैं। इन दिनों वे देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर पंचायत और सभाओं के माध्यम से किसानों को संबोधित कर रहे हैं। इसी सिलसिले में राजस्थान भी गए थे। देर रात तक इस मामले में अलवर पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें ABVP कार्यकर्ता और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप यादव और उनके सहयोगी शामिल हैं। FIR के मुताबिक करीब 33 लोगों ने स्वागत करने के बहाने टिकैत की गाड़ी रुकवाई और फिर हमला कर दिया। आरोप है कि सुरक्षाकर्मी से हथियार छीनने की भी कोशिश की गई। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द लल्लन टॉक।